अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना मोबाइल चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल जो है वो पीटीआई प्रूफ है या नहीं। अगर आप एक न्यू मोबाइल ले रहे हैं या यूज मोबाइल ले रहे हैं, किसी शॉप से ले रहे हैं, किसी आस पड़ोस से, किसी से भी आप एक मोबाइल खरीद रहे हैं, तो उसको आप कैसे चेक करेंगे कि वो पीटीआई प्रूफ है या नहीं। ठीक है, ये आप एक मिनट के अंदर जो है ना वहीं पे खड़े होकर चेक कर सकते हैं कि जो आप मोबाइल ले रहे हैं वो पीटीआई प्रूफ है या नहीं। जो मोबाइल फ़ोन आप ले रहे हैं वो पैच हुआ तो नहीं है, या वो ऐसे ही तो नहीं उन्होंने दे दिया कि 2 महीने चलेगा, उसके बाद जो है ना आपका मोबाइल जो है ना वो खुद ब खुद ही उसकी सिम बंद हो जाएगी। तो आप इसलिए उसी टाइम चेक कर लें मोबाइल, अगर न्यू भी लें या यूज़ भी लें, ठीक है, उसी टाइम आप चेक कर लें। सिर्फ 1 मिनट का काम है, तो आप जो है ना खुद ब आप खुद जो है ना मोबाइल चेक कर सकते हैं कि पीटीआई प्रूफ है या नहीं। ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। तो जब भी आपने मोबाइल ख़रीदने जाना है ना किसी भी शॉप के ऊपर, ठीक है जी, यूज़ मोबाइल लें या न्यू मोबाइल लें, आपने क्या करना है कि एक मोबाइल जो है ना अपने भाई का या अपने दोस्त का साथ लेकर जाना है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि उसका यूज़ क्या होगा, ठीक है जी। तो आपने जब भी मोबाइल लेना है उसी टाइम आपने जो है ना पैसे देने से पहले, ठीक है जी, आपने चेक कर लेना है कि जो आप मोबाइल ले रहे हैं वो पीटीआई प्रूफ है या नहीं, ठीक है जी। उसको इसलिए चेक किया जाता है, वो पैच हुआ तो नहीं है। तो चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जिधर भी नंबर डायल करते हैं ना, तो आपने उसको ओपन करें और यहाँ पे आपने टाइप करना है *#06। इतना लिखेंगे, उसके बाद आपने जैसे ही हैश आपने फिर टाइप करना है। जैसे ही हैश के ऊपर आप टिक करेंगे तो मोबाइल जो आप ले रहे हैं उसके जो IMEI नंबर जो है ना वो दोनों ही आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लिया, आपके सामने नंबर आएंगे। अब आपने इसको चेक करना है कि कैसे आपने जो है ना ये पता चलेगा कि आपका जो ना मोबाइल फ़ोन जो आप मोबाइल ले रहे हैं वो पीटीआई प्रूफ है या नहीं। उसको चेक करने के लिए जो आप मोबाइल फ़ोन लेकर आए हैं ना साथ अपने भाई का या दोस्त का, उसके ऊपर आपने एक एप्लीकेशन जो है ना प्ले स्टोर के अंदर जाके उसको आपने डाउनलोड करना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। आपने प्ले स्टोर के अंदर आके टाइप करना है PTA, ठीक है जी। इतना लिखेंगे तो आपके सामने जो है PTA की एक जो है ना एप्लीकेशन आ जाएगी जो ऑफिशियली PTA की है, ठीक है जी। इसके ऊपर चेक किया जाता है कि जो आप मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं वो PTA प्रूफ है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आपने जो है ना इसको डाउनलोड कर लेना। मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ, तो मैं इसको डायरेक्ट जो है ना ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने जो है ना ऐसा इंटरफेस आएगा, ये सेम ही इंटरफेस आएगा किसी भी मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है ना आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है जी। अगर तो आपने जो मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं उसका जो स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है तो उसको आपने अगर स्कैन करना है तो ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको आपने स्कैन कर लेंगे, वो खुद ब खुद ही स्कैन हो जाएगा। उसके बाद आप जो है ना इसको आप इस तरह उसको स्कैन कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने जो ना ऐसे नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। इधर जो है ना ये जो मोबाइल फ़ोन का साइन बना हुआ टिक लगा हुआ है, इसके ऊपर जो है ना मैंने क्लिक किया है, तो ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, जो मेरा मोबाइल फ़ोन है ना इसका इसने नंबर ले लिया है IMEI नंबर, ठीक है जी, ये नंबर इसका ले लिया है। तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है वेरीफाई, आपने वेरीफाई के ऊपर जो है ना क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना यहाँ पे एक गोल दायरा बना हुआ नज़र आएगा जिसके अंदर ग्रीन ग्रीन होगा और अंदर वाइट टिक लगा होगा। तो अगर तो जो आप मोबाइल ले रहे हैं, जो शॉप वाला आपको बता रहा है जो आप मोबाइल ले रहे हैं वही मॉडल नंबर आ रहा है, वही मोबाइल फ़ोन का जो है ना मॉडल नंबर आ रहा है या मोबाइल फ़ोन का नाम आ रहा है, वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा और आपको ऊपर जो टिक लगा हुआ नज़र आ जाएगा कि ये PTA प्रूफ है ऑफिशियली, ठीक है जी। अगर तो वो मोबाइल फ़ोन पैच हुआ होगा तो जो नंबर उसके ऊपर पैच किया होगा ना, जो आप मोबाइल ले रहे हैं वो किसी और फ़ोन का हो सकता है, किसी छोटे फ़ोन का हो सकता है, किसी और फ़ोन का हो सकता है। तो होगा क्या कि जो आप अगर पैच हुआ होगा ना तो जो आप मोबाइल ले रहे हैं उसका जो ना यहाँ पे नाम नहीं आएगा, ठीक है जी, वो उस मोबाइल फ़ोन का आएगा जिसका जो नंबर है ना वो पैच किया गया हुआ है इस फ़ोन के ऊपर, उसका जो ना नाम और मॉडल नंबर आ जाएगा। अगर तो जो आप मोबाइल ले रहे हैं ऑफिशियली उसका नंबर PTA प्रूफ है तो उसका जो नाम आएगा उसका मॉडल नंबर आ जाएगा कि ये PTA प्रूफ है। अगर वो PTA प्रूफ नहीं होगा तो वो क्या कैसे आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको ऑफ़ करें एक बार और दोबारा फिर इसको ओपन करें, ठीक है जी।
यहाँ पे मैं ऐसे ही एक गलत सा नंबर जो ना डायल कर देता हूँ, ठीक है। ये 15 हिस्सों का होता है, ये आप साथ देख सकते हैं, ठीक है। ये 15 हिस्सों का नंबर मैंने टाइप कर दिया, उसके बाद वेरीफाई के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर तो वो वेरीफाई नहीं होगा और प्रूफ नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको जो गोल दायरा है ना, ये येलो बना हुआ नज़र आ जाएगा, और कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो PTA प्रूफ नहीं है, ठीक है जी। इस तरीके से आप 1 मिनट के अंदर जो ना अपना मोबाइल फ़ोन को चेक कर सकते हैं कि वो PTA प्रूफ है या नहीं, ठीक है जी। मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।